हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टैनली और आज हम जा रहे हैं रसलपुर। तो वहाँ पे जाके हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आज की राइड में। तो वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं। हम अभी थोड़े लेट हो चुके हैं और थोड़ी मैस हो चुकी है हमारे साथ, पर कोई बात नहीं, अभी वहाँ पे जाके और आपके लिए अच्छा व्लॉग शूट करने की ट्राई करेंगे। तो चलिए वहाँ पे जाके मिलते हैं। हम रसलपुर जा रहे थे और रास्ते में हमें एक अच्छी सी लोकेशन मिल गई, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए हम थोड़े फ़ोटो क्लिक कराने के लिए रुक गए हैं। तो अभी यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है और अभी थोड़ी देर में हम रसलपुर पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर बाकी है, थोड़ा अभी आगे रहा है। बाइक पार्क कर दी है यहाँ पे और यहाँ सामने रिवर है सामने की साइड, ये आप देख सकते हो रिवर। तो बाइक पार्क करो, उसके लिए एक टिप है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। किसी जगह पे आओ जहाँ बहुत मट्टी हो यार, पार्किंग आनी हो ना, तो पहले अपने स्टैंड के नीचे एक स्टोन ले या पत्थर रख दीजिए, जिससे आपकी बाइक परफेक्टली पार्क रहेगी। और हमेशा बाइक को गियर में रखिए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पानी सुबह तक यहाँ तक पानी होगा, ये सब जगह पे पानी है। तो अभी पानी कम हो गया है, तो पानी नीचे चला गया है। अभी यहाँ सब जगह पे पानी भरा हुआ है, मतलब यहाँ तक नदी का पानी हो गया होगा और अब वापस धीरे धीरे कम होकर अंदर चला गया है। तो आप देख सकते हो ये रही है, ये रसलपुर नदी है, महिसागर नदी है। और यहाँ पे हम अभी थोड़ा आउटिंग के लिए है, घूमने के लिए। यहाँ पे आप बर्ड भी देख सकते हो, दिखा था जूम करके थोड़ा, ये सारे बर्ड यहाँ पे है। आगे और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ जो फ्लो है वाटर का बहुत बहुत बढ़िया लग रहा था, पास जाके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो के डिफरेंट टाइप के स्टोन पड़े हुए हैं, रॉक्स पड़े हुए हैं जो रिवर के हैं। और आप ये सब कलेक्ट करके घर पे ले जाके और एक्वास्केप बना सकते हो। और यहाँ पे कैसे टाइप में वो रखे गए, कैसे है अभी दिख रहे, उसमें से भी आप एक्वास्केप की आइडिया थोड़ी ले सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट कलर के स्टोन हैं और अभी हम ये स्टोन कलेक्ट कर रहे हैं रिवर साइड से। मैं और रिची हमें बैग के अंदर स्टोन कलेक्ट कर रहे हैं, देख के कैसे लगे हमें एक्वेरियम के उस हिसाब से। और ये देखो यहाँ पे बढ़िया एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको कि ग्रास और स्टोन का कैसा मस्त एक्वास्केप लग रहा है। आप ऐसा एक्वास्केप बना सकते हो अपने एक्वेरियम में भी। रसलपुर से वो साइड जा रहे, पानी ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिश पकड़ने की ट्राई करेंगे। और यहाँ पे मेरे पीछे यहाँ पे रिजॉर्ट एक है, वहाँ पे अभी सॉन्ग चल रहा है। तो फिर यहाँ पे भी आप रिजॉर्ट में भी आ सकते हो, अगर आपको अच्छा दिन स्पेंड करना हो इस जगह तो रिजॉर्ट में आप बुक कर सकते हो और यहाँ पे रह सकते हो, रिजॉर्ट में रह सकते हो, यहाँ पे भी घूम सकते हो। रिजॉर्ट में पूल भी है, तो वो सब चालू हो गया अभी, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, घूम सकते हो। तो अभी हम आगे हमारी बाइक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाने में आने में बहुत थकावट हो जाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बर्ड्स है और ये पत्थर से जाने के लिए नीचे जाते जाते थक जाते हैं, और हम तकरीबन 1 किलोमीटर इतना अंदर जाके आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बर्ड्स है जो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे फिश कैच कर रहे हैं। जब पानी यहाँ बढ़ जाता है तब यहाँ पानी भर जाता है, उसके अंदर थोड़ी फिश भी रह जाती है, तो इन्हें फिश पकड़ना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये बर्ड यहाँ पर फिश पकड़ते, और अभी हम वो साइड जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो मस्त यहाँ से व्यू आ रहा है ऊपर से, ये दो साइड से अपनी महिसागर रिवर आ रही है और बीच में एक होके फिर वहाँ पे आगे फ्लो में जा रही है। फिश पकड़ने की ट्राई करेगी, यहाँ पे थोड़ा गहरा पानी है और फ्लो वाला पानी है, शायद मछली मिल जाए। रिची साहब कह रहे हैं कि फ्लो में ज़्यादा मछली होती है,
ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरती है तो मिल जाती है, तो अभी ट्राई करेंगे। अभी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और मछली का इंतज़ार कर रहे हैं कि आ रही है कि नहीं। कब के बैठे हुए मछली पकड़ना कुछ इतना एक्साइटमेंट वाला वर्क नहीं होता जब तक फिश आती नहीं है। बहुत टाइम तक बैठे रहना पड़ता है ऐसे धूप में। तो दिखा तो आपको अभी ये मिस्टर अर्नेस रजवाड़ी, वो अपना फिशिंग रॉड लेके कब के बैठ गए और जीत पकड़ के बैठे के जब तक वो आज फीस नहीं पकड़ेंगे तब तक वो घर नहीं जाएंगे। तो हम भी दुविधा में आ गए कि अब क्या होगा आगे, इसे फीस आएगी कि आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हमें घर पे जाने को नहीं मिलेगा जल्दी। yes. लगता है हमारे भाई ने खींचना पड़ेगा, फीस आ गई है लगता है कि भर गया कि हुक भर आ गया किधर, हमारा हुक फंस गया है तो अंदर, तो अब इसे हमें खींच के तोड़ना पड़ेगा ऐसा लगता है। फिश पकड़ रहे थे वहाँ हुक फंस गया तो हुक हमने तोड़ दिया, लेकिन हमारा जो फ्लोटर था आगे जो रहता है वो भी निकल के पानी में बह रहा है। तो अभी वो रिची साहब हमारे फ्लोटर पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं, तो क्या क्या पानी में डाल रहे हैं पता नहीं, उनको उनका नसीब है कि नहीं आज मिलेगा कि नहीं देखते। अभी वो कब की उसकी राह देख रहे कि फ्लोटर खास मिल जाए। फ्लोटर और हमारा वेट सब लॉस हो चुका है, तो हमने देसी जुगाड़ किया फ्लोटर के लिए, थर्मोकोल यूज़ कर रहे और वेट के लिए हमने स्टोन यूज़ करा है। और आगे एक यहाँ पे कोई फिश पकड़ने आया था उसके पास से उसने भी हमें एक हुक दिया है, तो अभी हुक लाके एक बार ट्राई करेंगे। फिश पकड़ने के लिए ये नए लोकेशन पर आ गए, तो यहाँ पर हम लास्ट ट्राई करके थोड़ी देर, अगर हमें हाथ में लगी तो हमारी ये दिन लकी हो जाएगा, नहीं लगी तो हम वैसे ही वापस घर पर चले जाएंगे। तो अभी रिची साहब अब डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं फिश पकड़ने का, तो देखते होप करते कि हमें फिश मिल जाए, नहीं तो फिर हमने जो स्टोन कलेक्ट करे वो आपको मैं घर पे जाके बताऊंगा। तो ये रहे डिफरेंट टाइप के स्टोन हम कलेक्ट करके लेके आए हैं रिवर साइड से, और आप भी ऐसे रिवर साइड जाके डिफरेंट टाइप के स्टोन कलेक्ट कर सकते हो और ला सकते हो और अपने एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर हमने सैंड कलेक्ट करी और पेबल कलेक्ट करी, जो भी हम ये भी हम एक्वेरियम में यूज़ करने वाले हैं, जो बिगिनर सीरीज वाला एक्वेरियम है उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं। अभी ट्राई करेंगे कैसा लग रहा है, तो वो जब एक्वेरियम की वीडियो आएगी तब आप देख सकते हो और आगे कैसा हमने ये डिज़ाइन करा है। तो आपको कैसा लगा ये मेरा ब्लॉगिंग स्टाइल का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए ज़रूर, तो मैं इस प्रकार के आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करे बिना जाना मत, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। और आप अभी इस चैनल पे हो और आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो अगर अच्छे लगे तो मैं आगे बनाता रहूँगा। मैं हूँ स्टैनली ठाकुर, साइनिंग आउट।